डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि शुगर का कंट्रोल ना होना इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक क्यों होता है। ऐसा क्या है कि अगर शुगर कंट्रोल ना हो तो जिसकी वजह से बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं वो खराब होने लगते हैं या डिसीज्ड हो जाते हैं। इसको समझने के लिए हमें पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा कि शुगर है क्या। शुगर बेसिकली हम कहते हैं ग्लूकोज को। ग्लूकोज जो है वो एक बेसिक यूनिट है शुगर की। शुगर कन्वर्ट होती है एनर्जी में सेल के अंदर। सेल बेसिक फंक्शनल यूनिट है शरीर की। अब सेल, फॉर एग्जाम्पल, ये सेल है, इसके अंदर एक प्रोसेस होती है जो कि शुगर को कन्वर्ट करती है एनर्जी में, और वो एनर्जी जो हम डेली एक्टिविटीज में यूज करते हैं। जैसे अगर सपोज मेरे इस हाथ का मूवमेंट हो रहा है तो ये हाथ का मूवमेंट के लिए मुझे एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी मेरे शरीर में जो सेल एपरेटस है वो बनाता है, और उस एनर्जी को हम एटीपी की फॉर्म में यूज करते हैं। ये एनर्जी हमें चाहिए डे टू डे एक्टिविटीज के लिए। इस एनर्जी का फॉर्मेशन होता है शुगर से या ग्लूकोज से। तो जो हम खाना खाते हैं वो फाइनली कन्वर्ट हो जाता है शुगर में। जो एक्स्ट्रा शुगर होती है वो रिजर्व कर ली जाती है, और जो यूटिलाइज हो जाती है वो सेल में एनर्जी के फॉर्मेशन के लिए यूटिलाइज हो जाती है। अब होता क्या है कि यूजली जब हम खाना खाते हैं और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है तो वो ब्लड में जाकर मिलता है, यानी डाइजेशन के बाद जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा वो सारा ग्लूकोज ब्लड में आ जाएगा। ये ब्लड में आने के बाद उसको सेल तक पहुंचना बहुत जरूरी है। वो सेल तक कैसे पहुंचेगा? बाहर ब्लड में ग्लूकोज है, ब्लड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड कहलाता है। जो सेल के अंदर पानी है उसे इंट्रा सेलुलर फ्लूड बोलते हैं। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड से इंट्रा सेलुलर फ्लूड में ग्लूकोज को पहुंचाना है ताकि एनर्जी का फॉर्मेशन हो सके। एनर्जी का फॉर्मेशन के लिए ग्लूकोज मॉलिक्यूल जरूरी है। अब होगा क्या कि जब ग्लूकोज सेल के बाहर होता है तो एक चीज है जो कि रेस्पॉन्सिबल है इस ग्लूकोज को अंदर सेल के अंदर पहुंचाने के लिए, ताकि एनर्जी का फॉर्मेशन या एटीपी का फॉर्मेशन हो सकता है, और वो चीज कहलाती है इंसुलिन। इंसुलिन रेस्पॉन्सिबल है इस ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट के लिए, यानी कि अगर बाहर ग्लूकोज है तो इसको सेल में अगर पहुंचाना है तो हमें इंसुलिन चाहिए। अगर इंसुलिन नहीं होगा तो ये ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर नहीं पहुंचेगा। एक चीज। दूसरी चीज ये कि अगर वो ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा तो क्या एनर्जी का फॉर्मेशन होगा? नहीं होगा। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज खराब हो जाएंगी, यानी कि जो मेटाबॉलिज्म है शरीर की वो उस पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरी चीज क्या होगी? दूसरी चीज ये होगी कि ये जो सेल है या ये जो फ्लूड है जिसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड या इंट्रा सेलुलर फ्लूड कहते हैं, इसकी अपनी एक पर्टिकुलर ऑस्मोलैलिटी होती है। अब ये ऑस्मोलैलिटी क्या है? ऑस्मोलैलिटी को अगर हम लेमैन लैंग्वेज में समझें तो उसे समझिए कि कंसंट्रेशन या गाढ़ापन। एक पर्टिकुलर ऑस्मोलैलिटी या एक पर्टिकुलर गाढ़ापन या एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होती है। लेकिन अगर मान लीजिए ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं पहुंच रहा या यूटिलाइज नहीं हो रहा, तो ब्लड की ऑस्मोलैलिटी या कंसंट्रेशन या गाढ़ापन वो क्या हो जाएगा? वो बढ़ जाएगी।
क्योंकि ग्लूकोज जो है वो इसको हाइपर ऑस्मोलर बना देगा ब्लड को, यानी कि जो उसकी कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी ग्लूकोज की। इस कंसंट्रेशन के बढ़ने से क्या होगा कि ब्लड जो है वो हाइपर ऑस्मोलर हो जाएगा, और जब हाइपर ऑस्मोलर हो जाएगा तो सेल की ये प्रॉपर्टी होती है कि फ्लूड मूव करता है फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, यानी कि बाहर ब्लड में हायर कंसंट्रेशन है, अंदर सेल में लो कंसंट्रेशन है। तो चूंकि ये एक सेल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, जो सेल के बाहर मेम्ब्रेन है, तो फ्लूड विल मूव फ्रॉम द लो कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन। जब ये होगा तो सेल डिहाइड्रेटेड हो जाएगी, जब सेल डिहाइड्रेटेड हो जाएगी तो ओवरऑल डिहाइड्रेशन हो जाएगा, जब ओवरऑल डिहाइड्रेशन हो जाएगा और फ्लूड मूव करेगा फ्रॉम इंट्रासेलुलर स्पेस टू द एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस, तो क्या होगा, ब्लड में वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। ब्लड में जब वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा तो किडनी रेस्पॉन्ड करेगी, किडनी उसे ज्यादा निकालेगी, उस वॉल्यूम को या उस फ्लूड को जो है वो ज्यादा निकालेगी, तो क्या होगा, यूरिन ज्यादा आएगा। शुगर में यूरिन ज्यादा आता है जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती, नंबर वन। नंबर टू, जब एनर्जी नहीं मिल रही, मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, तो क्या होगा कि हाई डिमांड ऑफ ग्लूकोज होगी सेल को। जब हाई डिमांड ऑफ ग्लूकोज होगी तो ब्रेन जो है उसके बाद मैसेज पहुंचेगा कि भाई हमें जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए ग्लूकोज चाहिए। वो मैसेज जब जाएगा तो भूख ज्यादा लगेगी, जिसे पॉलीफेजिया कहते हैं। सो पॉलीफेजिया होगा, ज्यादा खाना खाने की इच्छा होगी, लेकिन ज्यादा खाना खाने के बावजूद वजन घटेगा। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज यूटिलाइज ही नहीं हो रहा। अब उसके अलावा और क्या होगा, अब चूंकि शरीर डिहाइड्रेटेड हो गया है, यानी कि ज्यादा फ्लूड रिमूव हो गया है, बिकॉज शिफ्ट हो गया है फ्लूड का सेल से बाहर, ज्यादा फ्लूड रिमूव हो गया है, तो प्यास लगेगी, और जब प्यास लगेगी तो ज्यादा पानी पिया जाएगा, तो फिर और फ्लूड गेन होगा, फिर और फ्लूड का रिमूवल होगा, तो फिर और ज्यादा यूरिन का फॉर्मेशन होगा, और ज्यादा पेशाब आएगा। यही सब शुगर में होता है, यानी कि प्यास ज्यादा लगेगी, ज्यादा भूख लगेगी, यूरिन ज्यादा आएगा। ये शुगर कंट्रोल ना होने के मेन फीचर्स हैं जो हम सब जानते हैं। तो ये क्यों होगा, ये इसलिए होगा, क्यों, हम फिर से रिवाइज करते हैं। ग्लूकोज स्टोमक से ब्लड में आया, ब्लड के बाहर है लेकिन सेल में नहीं गया, क्यों, क्योंकि इंसुलिन नहीं है। इंसुलिन ना होने की वजह से क्या है कि ग्लूकोज बाहर ब्लड में ही है अभी। ग्लूकोज के बाहर ब्लड में होने की वजह से क्या हो गया कि ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई ब्लड की, या कंसंट्रेशन बढ़ गई, समझने के लिए केवल। तो उससे क्या होगा कि जो सेल का ब्लड है, सॉरी, जो सेल का वाटर है वो बाहर आ गया, वो बाहर आ गया तो सेल डिहाइड्रेटेड हो गई, मेटाबॉलिज्म नहीं हो गई, नहीं होगी क्योंकि यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा ग्लूकोज का, एनर्जी नहीं मिल रही, हाई डिमांड, डिमांड बढ़ जाएगी, जब डिमांड बढ़ जाएगी तो भूख ज्यादा लगेगी, उसके बाद में जब फ्लूड बाहर ज्यादा आ जाएगा तो ज्यादा यूरिन का फॉर्मेशन होगा, ज्यादा यूरिन का फॉर्मेशन होगा तो और क्या होगा, डिहाइड्रेटेड स्टेट होगी, ज्यादा यूरिन निकल रहा है, सेल डिहाइड्रेटेड है तो डिहाइड्रेटेड स्टेट में ज्यादा प्यास लगेगी। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट कि शुगर जो है किस तरीके से प्रॉब्लमेटिक है हर ऑर्गन के लिए, क्योंकि हर ऑर्गन में सेल है। और ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, सिर्फ ये एक समझाने के, इसकी जो डिटेल है वो मेडिकल लैंग्वेज में या मेडिकल जो इसकी फिजियोलॉजी या और जो समझने की डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन अलग है, बट ये जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि किस तरीके से शुगर डैमेज करती है। अब फाइनली क्या होगा कि जब डिहाइड्रेटेड स्टेट है तो डिहाइड्रेटेड स्टेट में किडनी सफर करेगी, किडनी जो है वो सफर करेगी
इसके अलावा और बहुत सारे शुगर रिलेटेड फैक्टर्स हैं जिसमें किडनी सफर करेगी, बट जो मेन मैकेनिज्म है या जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि किस तरीके से ऑर्गन्स या दूसरी चीजें जो है वो शुगर रिलेटेड कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। इस कॉन्सेप्ट को जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, जब ये सीवियर हो जाए यानी कि बहुत ज्यादा शुगर बढ़ जाए, बहुत ज्यादा शुगर कंट्रोल नहीं है, तब एक क्या होगा कि जो सेल होंगी वो फैट को यूटिलाइज करना शुरू कर देंगी, यानी कि अब उन्हें ग्लूकोज नहीं मिल रहा तो उनके पास जितनी भी फैट है, वसा है, चर्बी है, वो उसको यूटिलाइज करना शुरू कर देंगी। जब वो उसको यूटिलाइज करना शुरू कर देंगी तो कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, कीटोन का फॉर्मेशन होकर वो यूरिन में निकलने लगेगा और ये फिर एक इमरजेंसी खड़ी हो जाएगी। इसको बोलते हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। या फिर अगर मान लीजिए फैट का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा या डायबिटिक कीटो एसिडोसिस नहीं है तो एक स्टेट और हो सकती है जिसको बोलते हैं हाइपर ऑस्मोलर कोमा, वो भी एक इमरजेंसी हो सकती है। यानी कि ब्रेन की सेल्स अफेक्टेड हो गई हाइपर ऑस्मोलरिटी की वजह से तो वो कोमा में चले जाएगा पेशेंट। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन कि किस तरीके से शुगर का कंट्रोल ना होना डेंजरस हो सकता है। थैंक यू।